हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए हर रोज की तरह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कॉल से रिलेटेड कुछ बात। आपके मोबाइल पर अब कॉल किस तरह से आएंगी और आप उनको किस तरह से एक्सेप्ट करोगे, तो प्लीज शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा और बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आएगी तब आप अपने आप ही खुद ही लाइक करना, तो ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं पहले एक बार कैसे यूज करेंगे आप उसको, होगा क्या उससे ये भी देख लेना एक बार ध्यान से समझे। आपको यहां पर 4-5 स्टेप दिए हुए हैं, इनको फॉलो करेंगे। इनको फॉलो करने के लिए सबसे ऊपर क्लिक करेंगे आप प्राइवेट प्रीमिस, यहां पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे इसको, सभी परमिशन इसके अलाउ करते रहेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर दिया है, अब सिंपली मैं दूसरे स्टेप पे आता हूँ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है पिन लगाना आपको पेटेंट, तो चलिए मैं यहाँ पर पेटेंट लगा लेता हूँ। आपको यहाँ पर पेटेंट के बाद थर्ड ऑप्शन पे आना है। थर्ड पे यहाँ पर आपको कोई पैटर्न चुनना है, एक्स वाई जेड कुछ भी, जो भी आपको अच्छा सा हो वो लगा लें। चलिए मैंने सिंपल सा चुन लिया 1, नेक्स्ट करूँगा, एक बार फिर से कंफर्म करूँगा, सेकंड कंफर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर थर्ड पे आऊँगा, एनेबल लॉक, इस पर क्लिक करूँगा, सेटिंग्स पे आऊँगा। सेटिंग्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर इसको, ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको अलाउ कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन तीनों चीज़ को टिक कर दिया है। इन तीनों को टिक करने के बाद अब मैं बैक कर लेता हूँ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, जब भी मेरे पास अब कॉल आएगा, कॉल आने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन लॉक तो रहेगा ही पहले से ही, लेकिन अब क्या होगा आता है, जैसे आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हो या आप कुछ कर रहे हो या आपके पास कोई लड़का खड़ा है या आपने फ़ोन कहीं पे रख दिया और आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, किसी का भी फ़ोन आ रहा है, तो उससे क्या होगा ना, जब आपका फ़ोन आएगा तो वहाँ पे नाम भी लिखा आएगा और नंबर भी आ जाएगा, तो कोई भी पहचान सकता है कि नाम किसका आ रहा है या किसका फ़ोन है। मान लो आप बाहर हो, घूमने जा रहे हो, फ़ोन घर पर रखा है, आप कहीं पर हो, फ़ोन घर पर रखा है, किसी की कॉल आ गई, आपकी गर्लफ्रेंड की, आपकी बॉयफ्रेंड की या किसी अदर पर्सन की कॉल आती है, तो आपका मोबाइल में पता लग जाएगा कि कॉल तो आ रही है, लेकिन वो उसको दूसरा बंदा रिसीव नहीं करेगा। वहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने अभी पासवर्ड जो दिया है ना, वो पेटेंट, उससे जब तक वो पेटेंट नहीं भरेगा तब तक कॉल को हम रिसीव नहीं कर सकते। तो कॉल रिसीव तभी होगी जब हम पिन पेटेंट को ओपन करेंगे, तब हमारी कॉल रिसीव होगी। तो इससे क्या होगा, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो इससे आपकी कॉल दूसरा पर्सन नहीं उठा सकता, दूसरा बंदा कोई भी नहीं उठा सकता, तो इससे यही बेनिफिट है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा, ज़रूर एक बार इसको यूज़ करें, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बेनिफिट यही रहेगा, दूसरा बंदा, कोई भी दूसरा आदमी नहीं तो ये देख सकता कि किसका कॉल आ रहा है और ना ही उस कॉल को रिसीव कर सकता, तो इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। अक्सर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मोबाइल से संबंधित रोज़ाना वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब।